हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत जबरदस्त पार्ट। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ सुरक्षित अच्छे से होंगे जहां पर भी हैं। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है। इसे पढ़ने से पहले अपने दिमाग में जितनी भी चीजें हैं उसे एक बार सोच लीजिए। आपका ये जो मेन पार्ट जो सामने आपका थंबनेल दिख रहा था उसमें वो सारी चीजें शो हो रही थी। ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें कैसे स्ट्रक्चर होती हैं, इट्स ऑल अबाउट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक फीमेल में कैसी ये संरचनाएं होती हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है, कहां पर बच्चे डेवलप होते हैं, बच्चेदानी किसे कहा जाता है, ये सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। ये सारी चीजें हमें पढ़नी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पता होना चाहिए भाई वो कौन सी जगह है जहां पर निषेचन होता है, कहां पर अंडाणु का निर्माण होता है, किस संरचनाओं को मिलकर एक मनुष्य की संरचना बनती है, 9 महीने तक बच्चा रहता कहां है। ये सारी बातें जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप तैयार होंगे और स्टार्ट कर देते हैं आज का बेहतरीन क्लास, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक बार बता देता हूं कि लास्ट क्लास से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पूरी संरचनाओं के बारे में बात की थी कि कैसा है वृषण, कैसा है उसकी पाइप्स। एक बात हुई थी, हम उसके बारे में फिर से एक बार बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले नर के पास में 3 ग्रंथियां होती हैं। हम उसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं और उनका कार्य देखते हैं। जो स्पर्म का निर्माण है वो इस जगह पर होता है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण जो है वो इस जगह पर होता है। यहां से शुक्राणु बनने के बाद एक ग्रंथि है शुक्राशय, दूसरी ग्रंथि का नाम है पुरस्थ ग्रंथि। शुक्राशय की संख्या 2 होती है, पुरस्थ की संख्या 1 होती है और इसके बाद नाम है कंद मूत्र पद ग्रंथि जिसका नाम है बल्बोइरसल या काउपर ग्लैंड। ये 2 भी संख्या में होता है, तो ये टोटल मिला के 5 ग्रंथियां हैं। इनमें से शुरू की 2 ग्रंथियां क्या करती हैं, जैसे ही स्पर्म यहां से निकलता है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों से रिलीज होने वाला केमिकल मिलके वीर्य का निर्माण होता है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड वीर्य, याद रखिएगा शुक्राणु और वीर्य के बीच में क्या डिफरेंस है। शुक्राणु एक कोशिका है और वीर्य विथ मीडियम। जब उस शुक्राणु के साथ शुक्राशय से रिलीज होने वाला केमिकल, सेमाइनल वेसाइकल से रिलीज होने वाला केमिकल और पुरस्थ ग्रंथि से रिलीज होने वाला केमिकल, जब ये दोनों मिल जाते हैं तब उसका नाम पड़ता है वीर्य उर्फ सीमेन। ये 2 कार्य, ये 2 ग्रंथियों से रिलीज होने वाला जो केमिकल है तो फ्रुक्टोज और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, ये मुख्य रूप से फ्रक्टोज रिलीज करेंगे, फ्रक्टोज ताकि इन्हें ऊर्जा मिलती रहे। जैसे हम लोग ग्लूकोज का उपयोग करते हैं स्पर्म फ्रुक्टोज का उपयोग करता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में एंजाइम भी होते हैं उसके पास में और कुछ थोड़ा सा न्यूट्रिशन केमिकल्स, कैल्शियम भी होता है सीमेन में, कैल्शियम भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके काम की यह है कि शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, शुक्राणु प्लस ये मीडिया, ये दोनों का केमिकल मिलकर वीर्य का निर्माण होता है। अगली ग्रंथि जो है बल्बोइरसल ग्लैंड, और इस ग्लैंड का काम यह है कि यह क्या करता है, बल्बोइरसल ग्लैंड का काम जब भी क्वाइटस होगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे मेल ग्रंथि जो है एक पानी जैसा हल्का सा तरल द्रव रिलीज करती है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट उत्तेजना आती है उस समय वो केमिकल जो है लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, स्नेहक की तरह काम करता है। जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो बहुत एक सेंसिटिव प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो घर्षण नहीं होना चाहिए, अब इन पेनिस और वेजाइना मतलब शिश्न और योनि के बीच में जो है घर्षण नहीं होना चाहिए, इस घर्षण को कम करने के लिए ये ग्रंथि काम करती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और उसका नाम है काउपर ग्रंथि। ये एक ही ग्रंथि है, ये ग्रंथियां 2 संख्या में होती हैं और ये 2 क्या रिलीज करवाती हैं, स्नेहक, एक हल्का सा पानी जैसा मटेरियल रिलीज होता है ताकि घर्षण ज्यादा ना हो, एक ब्यूटीफुल मूवमेंट जनरेट करने के लिए ये काम करता है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी और आज हम पहुंचते हैं आज के टॉपिक में जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से देखिए इस टॉपिक को आज पूरा समझ के जाना है। याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए तो उतना ही जरूरी है, उसके साथ ही साथ ये आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये वही अंग है जहां पर हम आप पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के जंतु जो है 9 महीने के लिए या अलग अलग समय के लिए वहां पर रहते हैं, कैसे बनते हैं वो जीव, इसलिए हमें टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पार्ट हम इसके साइड व्यू को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनके पास में बाहर से पाया जाएगा।
ये बाहर का ये जो हड्डी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे की बोन्स है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है मलाशय, जहां से मल निकलता है, ये है गुदा द्वार, इधर के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद ये संरचना है, यही है गर्भाशय, जिसे हम कहते हैं यूटेरस। यही है यूटेरस जहां पर गर्भ बनता है, जहां पर 9 महीने मनुष्य का बच्चा जीवित रहता है, जिंदा रहता है, यही वो जगह है। ध्यान से देखिए इस पार्ट को और समझने की कोशिश करिए कि यहां पर जो है आपका यहां पर प्रेजेंट रहेगा गर्भाशय रहेगा। इसके अलावा नीचे वाला पार्ट मूत्राशय है। कई बार सवाल आते हैं दिमाग में कि ये जो गर्भाशय है वो कहां, किसके किसके बीच में उपस्थित है, तो ऊपर प्रेजेंट है मलाशय रेक्टम और यहां प्रेजेंट है मूत्राशय। मूत्र यहां पर स्टोरेज रहता है, ऊपर में रहता है मल स्टोरेज, उन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गर्भाशय मींस यूटेरस। इसके अलावा इस गर्भाशय से ये जो पाइप यहां तक निकली हुई है इस भाग को हम कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। ये ग्रीवा ही वो जगह है जहां पर सेक्सुअलिटी के समय पेनिस मतलब शिश्न एंटर करता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, याद रहना चाहिए। यहां पर दो होल है, दो पोर्शन है, जहां पर ओपनिंग है, दो ओपनिंग जिसे हम कहना चाहिए। पहली ओपनिंग जो मूत्राशय से निकली है ये मूत्र मार्ग, यहां से यूरिन निकलता है फीमेल्स में। ओके, ये पहली बात ध्यान पे रखेंगे। दूसरा, इसके जस्ट पीछे की तरफ में, नीचे की तरफ में कहना चाहिए, एक और ओपनिंग है जिसे योनि द्वार कहते हैं। ये योनि द्वार, ये जो इतनी लंबी पाइप यहां से यहां तक की दिखाई दे रही है, यही वो जगह है जहां पर इंटरकोर्सेस के टाइम पे, सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम पे पेनिस एंटर करता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक पेनिस जो है वो एंटर कर सकता है और इसमें घर्षण करता है। ठीक है, ये है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे। तो दो पोर्शन, दो ओपनिंग है, ये बात ध्यान रखना। मेल्स में केवल एक ओपनिंग होती है और फीमेल में ये दो ओपनिंग होती है, एक मूत्र के लिए और एक योनि के लिए। ठीक है, इस जगह से कई बार रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहीं से निकलता है, जो ब्लड ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, ये यहीं से रिलीज होता है और यही वो पार्ट है। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। इसके अलावा हम आगे की तरफ में देखेंगे तो ये पार्ट साइड व्यू से देखने पे समझ में नहीं आएगा, हम अलग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन सी बातों पे गौर करना है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहला पता होना चाहिए कि कुछ ओवरी है, अंडाशय है। इसके अलावा फिर वही बात, कुछ एसेसरी डक्ट है। ये पार्ट हमारा हो गया अंडाशय, ये भाग हो गया हमारा सहायक वाहिनी, जिसे हम कहते हैं उससे जुड़ी हुई ग्रंथियां, वाहिनी, और एक्सटर्नल जेनिटाइला मतलब बाह्य जननांग। हम इनके बारे में भी समझेंगे, हर किसी के स्पेशल कार्य के बारे में समझेंगे, ध्यान से देखते बस रहिए। तो ये सब चीज हमें समझ में आएगा, ये पार्ट को हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है अंडाशय। दो अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अंडाशय इस तरह से यहां पे ऊपर में एक पाइप से जुड़ा हुआ रहता है, ये अंडाशय का पूरा जुड़ा हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा एक मसल दूसरे मसल से लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई रहती है, यहां पर भी लिगामेंट्स इसे जोड़ के रखे, स्नायु हिंदी में कहते हैं। यहां ये वो जगह है जिसे हम बाद में डिटेल करेंगे, यही वो जगह है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, यहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। इसके बाद यहां पे पाइप ये दिखाई दे रही है, इसे ही हम कहते हैं, यहां से यहां तक वाली पाइप जो है इसे हम कहते हैं सहायक वाहिनी। यही पार्ट है सहायक वाहिका, इसे हम कहते हैं। अब इस सहायक वाहिका में कौन कौन आता है, फ्लो चार्ट आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला पार्ट कीप, ये देखिए सबसे पहला ये ऐसा फिंगर जैसा बना हुआ संरचना। इस फिंगर जैसी संरचना का क्या कार्य है? इसका कार्य है कि जब भी यहां से ओवा निकले उसे कलेक्ट करना है। जब भी यहां से अंडाणु निकलेगा तो उस अंडाणु को पकड़ने के लिए इस फिंगर जैसी संरचना का काम होता है। ये जो उंगली जैसी संरचना है, प्रवर्ग है, इसे हम कहते हैं हिंदी में झल्लरी और इंग्लिश में इसे कहते हैं फिम्ब्री। ये स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फिम्ब्री कहते हैं। तो पहली संरचना जो यहां पर फोल्ड बना हुआ है यह है फिम्ब्री। इसके बाद यह अंदर की संरचना जो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह कीप जैसा दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई इसका नाम है कीप, और इंग्लिश में कहते हैं इसे, हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या नाम है इसका? इनफंडिबुलम, यह नाम हो गया कीप के बाद। अगली एक संकीर्ण वाहिका, यह जो बीच वाला पार्ट है जिसे हम तुम्बिका कहते हैं, एम्पुला।
तो सबसे पहला कौन है? फिम्ब्री. फिर कौन है? कीप, मतलब इन्फंडिबुलम. उसके बाद कौन है? एम्पुला या तुम्बिका. इंग्लिश में इसे एम्पुला ही कहते हैं. इसे इंग्लिश में एम्पुला ही कहते हैं. इसके बाद और आगे की तरफ में जाते हैं तो यहां पर पहुंचे तो ये पार्ट है संकीर्ण पथ. इसे हम इंग्लिश में भी इस्थमस ही कहते हैं. ये है इस्थमस. ये पांच चीजें एक साथ मिलाकर अंडवाहिनी कहलाती हैं. बिकॉज क्योंकि क्योंकि ये अंडाणु जब यहां से निकलता है तो ये इसी रास्ते से होकर यहां तक पहुंचने की कोशिश करता है. अंडाणु जब यहां से बना है पहले यहां पहुंचेगा, फिर यहां से होते 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 हुए यहां तक पहुंचने की कोशिश करता है और मरण भी ज्यादा तब भी यहीं से निकलता है. इस वजह से हम इसे एंड वाहिनी कहते हैं. यही वो जगह है जिसका इंग्लिश में नाम कहते हैं हम इसे ओविडक्ट. Isn't it? तो यहां तक ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहला कोई अंग है तो वो है झल्लरी, जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं. ये पांच चीज, फिर इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर संकीर्ण पथ. ट्रिक बना लेना आपने. सबसे पहले फिम्ब्री, फिर इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला और उसके बाद इस्थमस. FIAI इज अ ट्रिक ऑफ सिक्वेंस. यहां पर सिक्वेंस का ट्रिक बन जाना चाहिए. ये अंडवाहिनी जैसे इधर है वैसे यहां पर भी है, तो आप दोनों जगह पढ़ सकते हैं. झल्लरी, कीप, एम्पुला, इस्थमस. एम्पुला इस्थमस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये वो जगह है जहां पर निषेचन होता है. जब स्पर्म यहां से अंडाणु होते हुए, याद रखिएगा, यहां तक पहुंचने की कोशिश करता है, एम्पुला और इस्थमस जो जगह है यही वो जगह है, इनके जंक्शन के पास में ही निषेचन होता है. जहां पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है ये वो जगह है जिसका नाम है एम्पुला और इस्थमस. ये बात ध्यान पे रखेंगे. ये वही जगह है जहां पर निषेचन होता है. ओके, अगले पार्ट में पढ़ते हैं. अगला पार्ट और क्या पढ़ने की चीज है भाई? तो हमने पढ़ा कि हमें एक अंडाशय के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद अंडवाहिनी के बारे में पता होना चाहिए. ये अंडवाहिनी जाकर खुलती है एक गुहा नामक संरचना में जिसे हम कहते हैं गर्भाशय. हम क्या कहते हैं इसे? गर्भाशय. ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, सुंदर सा स्ट्रक्चर है, ये है गर्भाशय. यही वो जगह है जहां पर गर्भ का निर्माण होता है. गर्भ कहीं पर बनता है तो यही वो जगह है. इस जगह पे ओके, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. अंडवाहिनी की जगह फैलोपियन ट्यूब है ना, ये भी याद रखना. दोनों नाम है इसका इंग्लिश में, अंडवाहिनी भी कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में और ओविडक्ट भी कहते हैं. ये जो भाग है इसे हम गर्भाशय कहते हैं. इसकी तीन परत हैं. तीनों परत के बारे में आपको जानना जरूरी है. सबसे बाहर की तरफ में जो परत है उसे हम परिगर्भाशय कहते हैं. हिंदी इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं पेरीमेट्रियम. पेरीमेट्रियम, हर किसी के आगे मेट्रियम लगा देना है बस. बीच वाली परत जो ये दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर. इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम. मायो का मतलब होता है हमेशा मसल, पेशियां. पेशियां जहां पर पाई जाती हैं वो बीच वाला भाग है और इस वजह से इसको अपन गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं. और मायोमेट्रियम का कार्य है कि जब भी बच्चा बन रहा होता है, कब काम आता है ये? काम तब आएगा जब यहां पर बच्चा बन चुका होता है, बच्चे को बाहर निकालना है. उस समय कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, फैलना, सिकुड़ना लगातार चलता है जिसकी वजह से बच्चा बाहर आ पाता है. वो किसी की मदद से होता है तो ये मायोमेट्रियम है जिसे हम गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं. सबसे अंदर की और सबसे जरूरी परत होती है गर्भाशय का अंतः स्तर और इस परत को हम कहते हैं, याद रखना, इसका नाम है एंडोमेट्रियम. इस परत को बिल्कुल भूलने का बात नहीं है क्योंकि ये दो तो कभी कभी कार्य करती हैं. एंडोमेट्रियम हर महीने बनती है, हर महीने टूट जाती है. ये हर महीने अपना बनने का फिर टूटने का कार्यक्रम करती है. इस वजह से ये एंडोमेट्रियम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीड रिलीज होता है, जो मैकेमिकल रक्त का स्राव बाहर होता है, वो अगर कोई चीज है तो ये वो परत है जो अभी दिख रही है. लेकिन हर महीने के किसी समय पे एक पूरा चक्र होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. ये चक्र के बाद ये टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर नया बनता है. हर महीने, हर महीने फिर टूट जाता है. तो इसलिए आपके दिमाग का एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि ये जो ब्लीड रिलीज होता है वो है क्या. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कई फीमेल्स को और मेल्स को तो एकदम पता ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं मालूम है उस विषय पे. तो इसलिए इस दुनिया के नर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज फीमेल बाउल. क्योंकि अगर आप दूसरे तंत्र को नहीं समझेंगे, अगर आप नर है मादा के तंत्र को नहीं समझेंगे तो इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा. आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कई बार पढ़ाते हुए बच्चों से पूछता हूं कि आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं.
मैक्सिमम बच्चे कहते हैं नो, और आप लोग भी मुझे बताइए क्या आप लोगों को यह आंसर पता है, हाँ या ना। अगर नहीं है तो जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि जिस उम्र में अभी आप हैं, पिछली पीढ़ी में होते तो अभी आपकी शादी हो चुकी होती, ठीक है। तो इसलिए इस दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन को यह पता होना चाहिए कि कौन सा पीरियड जो प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। पूरे महीने में ऐसा कौन सा दिन होता है जिस समय ज्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इन संरचनाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है, इनके कार्यक्रम को पढ़ना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस देश में रहते हैं जहां की आबादी 130 करोड़ है और इस 30 करोड़ की आबादी में आपका भी योगदान है। तो इतनी ज्यादा आबादी को बराबर रखने की भी जरूरत है, मेंटेन करने की जरूरत है, तो आपको इसका सही नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूं जिन्हें पता ही नहीं होता और इनके 3-4 बच्चे हो गए, ठीक है, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, और जब तक पता चलेगा तब तक 3-4 बच्चे हो गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, एंडोमेट्रियम वो जगह है जो हर महीने बनती है और हर महीने बिखरती है, ये एंडोमेट्रियम है, कहानी खत्म। उम्मीद है बहुत आसानी से आपको बात ये समझ में आई होगी। अब हम एक एक करके हर किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे काम करते। किसी ने कहा 12-14 वगैरह वगैरह, जिन्हें मालूम है 7-14, ठीक है, अच्छी बात है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अपना सवाल अपने दिमाग में रखना, ये सवाल याद रखना, जब तक मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तब तक ये आंसर आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है, तब तक ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं भाई यहां पर ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में दो बातें याद रखनी है कि ये ओवरी जो है ऐसा लटका हुआ नहीं रहता, ये ओवरी पीछे की तरफ में ये ओविडक्ट से यहां पर स्नायु, जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं, उसके द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, बस ये मेन पार्ट है, ये मेन चीज हो गई। अगर हम किसी ओवरी को देखें तो अभी इसको पूरा नहीं समझना है कि इसके अंदर ये क्या दिख रहा है गोल गोल, हम इसको समझ पाएंगे बाद में। ओवरी के अंदर आपको दिखाई देगा अंडाशय के अंदर कि कुछ रेड रेड पार्टिकल्स हैं जिसे हम धमनी कहते हैं, ब्लू पार्टिकल हैं जिसे हम शिरा कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। बाहर वाली परत जो है इसे हम कहते हैं एपिथीलियल, एपिथीलियल उपकला, मतलब बाह्य उपकला जिसे हम कहते हैं। इसके बाहर वाला भाग ये जो दिखाई दे रहा है, ये बाहर का भाग है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है वल्कूट। अंदर वाला जो खोखला भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं, यहां पर ये कॉर्टेक्स है तो इसे हम कहेंगे यहां पर मेडुला, इसका नाम होगा मेडुला। वो अगर कॉर्टेक्स है तो ये है मेडुला, और अगर मेडुला वाला भाग, दो अलग अलग कार्यक्रम है इनका, ये मुख्य रूप से ओवरी इतना ही है। बाकी ये जो ऊपर में बाकी नाम लिखे हुए हैं, जब इनका कार्य बताऊंगा कि ये कैसे कार्य करता है, ऊजेनेसिस कैसे होता है, तब मैं इसे डिटेल करूंगा, तो तब तक आप इसके लिए इंतजार करेंगे। तो ये हो गया एक अंडाशय का एक सूक्ष्म डायग्राम कि हाँ भाई इस एक अंडाशय में इतनी चीजें हो सकती हैं, ये ऐसे कार्य करता है, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा कि इस तरीके से ये कार्य करता है। ओके, आगे बात करते हैं इसके बारे में, अंडाशय के अगला वाला भाग क्या हो सकता है। तो इसमें पूछने जाने वाली बात यह कि बाहर वाला भाग जो है वो ऐसा ऐसा कार्य करता है, इसके पास कॉर्टेक्स, ये एम्पुला, इतनी चीजें होती। अगले पार्ट में जो हमें समझना है ये इसकी तीन परतें कि कौन कौन सी एसेसरी डक्ट है, कौन कौन सी इनके पास में वाहिनियां हैं और उनका क्या क्या कार्य है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूं, यही वो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे अंदर वाला भाग फिम्ब्री, जिसका नाम है झल्लरी। आप इस डायग्राम में देखिए तो फिम्ब्री, झल्लरी, उसके बाद इनफंडिबुलम जिसका नाम हम लोगों ने रखा था कीप, एम्पुला और इस्थमस। इसमें एक बात बस जानने योग्य है कि जब यहां से ओवा यहां पहुंचता है इधर पे, तो ये एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे ये वो जगह है जहां पर वो पहुंचा, यही वो जगह है जहां पर स्पर्म पहुंचता है तो निषेचन होता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से रखने योग्य है। बाकी डक्ट का काम क्या है? ओवा को पकड़ो, आगे तक भेज दो। कोई स्पेशल कार्य नहीं है इन लोगों का, इनका कार्य बस ट्रांसफर करने का है, ओवा को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है, तो इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगले पार्ट में पहुंच रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अगला भाग हम पहुंच रहे हैं ये है गर्भाशय वाला भाग, जिसे हम कहते हैं यूटेरस। वैसे तो वो सारी चीज मैं आपको समझा दिया हूं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा डिटेल करना जरूरी है। गर्भाशय की तीन परत होती है। गर्भाशय का ऊपर वाला भाग यूटेरस फंडस कहलाता है। यहां पर ज्यादातर गर्भ जो होते हैं वो अटैचमेंट होता है इनका।
ये बीच वाला खाली भाग जो है यूटेराइन कैविटी है, धीरे धीरे इसी में बच्चा डेवलप होता है, तो बच्चा डेवलप होने के बाद ये आकार में बड़ा होने लग जाता है। तीन परत है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तीनों का कार्य मैंने समझाया था कि इस तरीके से ये कार्य करते हैं। ये जो भाग है ये सर्विक्स है, ये भाग जो है सर्विक्स है, ये जो दिखाई दे रही है ये है सर्विकल कैनाल, मतलब ग्रीवा का जो मतलब नाल है जिसे हम कहते हैं, और ये भाग जो है ये वेजाइना कहलाता है। इस तरह से आपने गर्भाशय को भी थोड़ा थोड़ा समझ लिया कि ये इस तरीके से कार्य करता है, ये इसकी तीन परतें हैं और यही इसकी जरूरी है, यही सब यहां पर लिखा हुआ है, कोई स्पेशल बात इनमें नहीं। आपको यहां पर समझ के रखना चाहिए कि कहां से कैसे काम करते हैं, याद रखना है, पढ़ाई को नॉलेज में याद कन्वर्ट करना है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ध्यान रखिए, बाह्य जनन अंग, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सबसे बाह्य जननांग है जिसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें जिसके बिना इस दुनिया का चलन ही नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ते समय बहुत सारे लोगों के दिमाग में मतलब बेकार की चीजें चलती रहती हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये वो चलता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड सही जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ना कि आपको ये कुछ ऐसा स्पेशल ऐसा देने के नाम पे है। ठीक है, आपको अगर ये चीजें पता होंगी तो जीवन में बहुत सारे जो जीवन पूरा है वो आप सुखद जीवन जी सकते हैं। रिप्रोडक्शन इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, अगर ये ना हो तो जीवन में कुछ स्पेशल मतलब कोई नया जानवर, नया जीव जंतु पैदा नहीं हो सकता। इसके बारे में ऐसा कुछ हौहा बनाने की जरूरत नहीं है, टैबू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म करता है। दुनिया में मतलब अगर मान लीजिए 130 मतलब टोटल 8 बिलियन पीपल हैं, तो इसमें आधे नर आधा मादा हैं, सबके पास में स्ट्रक्चर की मात्रा लगभग लगभग वही है, कोई अलग से कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हा हुआ ऐसा वैसा ये वो ये सोचने की जरूरत नहीं है, और बहुत दिमाग में अपना बहुत ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक एक सामान्य संरचना है, जैसे मैं हाथ के बारे में पढ़ाऊँ, जैसे मैं पैर के बारे में, जैसे नाक के बारे में, जैसे पैर के बारे में कुछ भी पढ़ाऊँ, वैसे ही ये भी संरचना है। गौर से देखिए यहाँ पर, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बाह्य जनन इंद्रिय जिसे हम कहते हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें बाहर से दिखाई देती है, ये सारे डायग्राम को एक साथ मिलाकर एक संरचना बनती है, तो इन सबको इमेजिन करना है कि ये पहार का है, फिर इससे ग्रीवा नाल निकली हुई रहेगी जो यूटेरस में खुलती है। तो हम इस डायग्राम के ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो जनन के ऊपर का जो भाग होता है वहां पर एक मसल पाई जाती है जिसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ये वाला भाग है। इस मॉन्स प्यूबिस को हिंदी में जनन जघन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जघन सेल। ये वो जगह है जहां पर ज्यादा मात्रा में वसा का जमाव होता है, जिस वजह से ये फूला हुआ भाग रहता है। वसा का जमाव होता है, फूला हुआ भाग जगह, यही वो भाग है जहां पर हेयर्स पाए जाते हैं। प्यूबिस हेयर्स जो होते हैं वो यहीं पर प्रेजेंट होंगे। तो ये कार्य हो गया मॉन्स प्यूबिस का। मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ ये बाहर पूरा फैला हुआ भाग है, जितना भी भाग है ये ऊपर से लेकर ये यहां तक का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा मॉन्स प्यूबिस ही कहलाता है। ये सब मॉन्स प्यूबिस है, जिसे हम क्या कहते हैं मॉन्स प्यूबिस को, जघन सेल कहते हैं। यहां पर उतक अच्छे से भरे हुए रहते हैं यहां पर, और यही वो जगह है जहां पर वसा उपस्थित होती है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। इसके बाद क्या है, अब जब ये मतलब देखेंगे तो ये कपाट जैसे बनी हुई संरचना थी, एक परत फिर दो परत फिर तीन परत ऐसा खुलता है, तब जाके अंदर ये चीज संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो सबसे बाहर वाली परत एक ऐसा फ्लैप लाइक बना हुआ रहेगा जिसे ढका हुआ संरचना है, उस ढकी हुई संरचना को हम कहते हैं पहला पार्ट लेबिया मेजोरा। सबसे पहली ढकी हुई परत जो ढक देती है, यहां पर ये ओपन दिखाई दे रहा है बट यहां पर जनरली ये क्लोज रहती है। सबसे बाहर की परत है लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस जहां पर खत्म होता है, जैसे मान लो ये हाथ है, ये हाथ जहां पर ऐसे खत्म हुआ, ये खत्म हुआ भाग जो है एक कवर ढक्कन ऐसा बना लिया, एक परत बना लिया, फ्लैप बना लिया, उस फ्लैप को ही हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं वृहद भगोष्ठ, वृहद भगोष्ठ कहते हैं। ये उतक से बना हुआ रहता है, बाहर की तरफ ऐसा फोल्ड बना हुआ है, ऐसा चिपक गया। ओके, इसके जस्ट बाद तो सबसे बाहर की परत का नाम है लेबिया मेजोरा। सबसे बाहर की परत का नाम है लेबिया मेजोरा। इसके जस्ट अंदर एक और परत ऐसे प्रेजेंट रहती है, एक और परत प्रेजेंट रहेगी, ऐसा और परत एक बनती है जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। तो ये बाहर की, फिर इसके अंदर भी एक और परत लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा।
लघु भगोष्ठ इसे कहते हैं। तो अगली परत जो उसे थोड़ा सा ढक के रखती है, तो दो फोल्ड पाया जाता है, एक पहला उसके बाद दूसरा। पहली परत का नाम लेबिया मेजोरा, दूसरी परत का नाम लेबिया माइनोरा, एक नीचे स्थित होता है। इन दो कवर के बाद अब इनके पास में और बहुत सारी संरचना है। इन जब के बाद अपन देखेंगे तो हम पहुंच गए ये मिडिल सेंटर पॉइंट पे। यहां पर दो पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक ऊपर में ये ओपनिंग दिखाई दे रही है और एक दूसरी ओपनिंग ये दिखाई दे रही है। दो ओपनिंग है, याद रखिए फीमेल्स में टू ओपनिंग होती है। ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है हमें इसे यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ये है मूत्र मार्ग, ये वो जगह है जहां से यूरिन रिलीज होता है। ओके, ये हो गया। नीचे की तरफ में ये जो पोर्शन बना हुआ है इट इज वेजाइना, ये वो संरचना है जिसे हम वेजाइना या योनि कहते हैं। यही संरचना एक लंबी पाइप के द्वारा जाकर गर्भाशय में खुलती है। यही वो ओपनिंग है जहां पर शिश्न जो है इंटरकोर्स के थ्रू एंटर करता है। सेक्सुअल एबिलिटीज के टाइम पे अगर शिश्न कहीं एंटर करता है तो ये वो होल, ये ओपनिंग है। तो ये वेजाइना है, योनि है, इसकी सहायता से, याद रखिएगा, इस योनि की सहायता से ही ये ओपनिंग है, इसकी सहायता से ही शिश्न अंदर जाता है और ये अंदर तक कहां तक पहुंचा है, गर्भाशय तक। इसी जगह पर अगर शुक्राणु का स्खलन कर दिया जाए सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे तो वो गर्भाशय तक पहुंच के फिर प्रेगनेंसी का कारण बनता है। तो ये उसका बात होगी, क्लियर है ये सब चीजें। यही वो जगह है जहां से जब गर्भाशय के मासिक स्त्राव में जब अंदर का गर्भाशय, जब उसके अंदर की परत जिसका नाम एंडोमेट्रियम है, अंतः गर्भाशय है, वो परत जब टूटती है तो वहीं से पूरा ब्लीड इसी ओपनिंग के माध्यम से ही बाहर निकलता है। तो इसके दो कार्य हैं। पहला कार्य तो हर महीने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है वो रिलीज करना, और दूसरा यही वो ओपनिंग है जहां से बच्चा भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो गर्भाशय में डेवलप कर रहा है। आप उस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस डायग्राम को सोचिए, इस ये डायग्राम देखिए, यहां पर इस जगह पर बच्चा बनता है, ये वो जगह है जहां पर बच्चा बनता है। उसके बाद ये बच्चा शिशु जो है यहां से पार करते हुए ये है वो वेजाइना का पोर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, यहां से निकलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं फीमेल की ये संरचना, सिर्फ मतलब कौतूहल से आप इसलिए भी देखिए क्योंकि ये वो जगह है जहां से बच्चा बाहर निकलता है। सोचिए कितने दर्द के कारण जो है, ये कितना बड़ा दर्द है, दुनिया का इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं है जो एक माता सहती है, जो एक महिला सहती है, जो एक फीमेल सहती है। तो याद रखिएगा कि यही वो जगह है जहां से बच्चा बाहर निकलता है। ये पतली सी जगह, यकीन मानिए इतनी ही पतली है, इस पतली सी जगह एक परिपक्व बच्चा जब बाहर निकलता है एक असहनीय दर्द की पीड़ा होती है जो एक फीमेल ही सह सकती है। तो इसलिए ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में इसकी कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए। और ये छोटा सा होल जो वेजाइना योनि जो शिश्न के अंदर जाने से के भी काबिल नहीं होता है, उतना बड़ा नहीं होता होल कि वहां पर शिश्न अंदर एंट्री कर सके, लेकिन इसी जगह से बच्चा भी बाहर निकलता है। तो इसके तीनों कार्य आप ध्यान पे रखेंगे। यही योनि वो जगह है जहां पर हर महीने ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दूसरा बच्चा भी बाहर निकलता है और यहां पर शिश्न की एंट्री भी होती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ठीक है, अब इसमें से ये सब कहानी हो गई। इसके ऊपर में यहां पर एक ऐसा डॉट जैसा स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा से गठाने बनी हुई रहती है, मतलब गठाने मतलब जैसे अगर एक मसा बन जाए ऐसा समझ लीजिए, बहुत सारी संरचना इकट्ठी हो जाए, तो वो पार्ट में ये सारी ओपनिंग के ऊपर में एक स्पेशल गठान जैसा स्ट्रक्चर होता है, इज अ क्लाइटोरिस इसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे भग शेफ। भग शेफ के बारे में एक बात यह है कि भग शेफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का सबसे सेंसिटिव पार्ट, उत्तेजना के युक्त जो अगर भाग है, यही वो भाग है जो उत्तेजना के लिए जिम्मेदार है। फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे, अभी एक आपको पता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट एक उत्तेजना का कारण है, फीलिंग है, भावनाएं हैं, वो भावनाएं इसके कारण से और जागृत होती हैं। तो ये वो जगह है भग शेफ। जैसे नर में शिश्न का जो मुंड होता है, जिसे अपन फोर स्किन या पार्ट ऊपर वाला भाग कहते हैं, शिश्न का ऊपरी भाग, पेनिस का सबसे टॉप पार्ट, ठीक है, ग्लैंस पेनिस ये वाला भाग है, ग्लैंस पेनिस वाला भाग, शिश्न मुंड वाला भाग सबसे सेंसिटिव होता है। उसी तरह यहां पर क्लाइटोरिस भी बहुत सेंसिटिव होता है, ये बहुत ज्यादा उत्तेजना का कारण बनता है। तो ये जिस प्रकार से नर में शिश्न मुंड है, ग्लैंस पेनिस है, उसी तरह फीमेल में क्लाइटोरिस है। कई बार दिमाग में नीट में इसके ऊपर सवाल भी आते हैं कि बताइए कि नर का जो शिश्न मुंड है वो फीमेल में वैसी ही संरचना समजात अंग कौन सा है,
दोनों का समान कार्य होना चाहिए। अंग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कार्य एक होने चाहिए। तो दोनों उत्तेजना के कारण होते हैं, वो भी बहुत उत्तेजना वाला अंग होता है, बहुत सेंसिटिव अंग होता है, और ये भी बहुत सेंसिटिव है। उसकी वजह से भी सेक्सुअल एबिलिटीज में उत्तेजना आती है, यहां पर भी सेक्सुअल डिजायर में उत्तेजना आती है, तो ये दोनों समजात अंग हो गए। जिस प्रकार से नर में फोर स्किन ढक के रखता है, वैसे ही यहां पर लेबिया मेजोरा ढक के रखता है। तो जिस हिसाब से नर में फोर स्किन है, अग्रच्छद ऐसी कुछ कहते हैं, ऊपर की जो परत है फोर स्किन, यहां पर वही चीज जो है किसमें प्रेजेंट होती है, लेबिया मेजोरा में। तो लेबिया मेजोरा और जो फोर स्किन है, ये दोनों एक दूसरे के समजात है, ये दोनों एक दूसरे के समजात है, दोनों का कार्य लगभग समान है। ओके, तो इस तरीके से आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कार्यक्रम है इन सब चीजों का, और ये पता होना चाहिए। बहुत सारे मेल को तो ठीक है, बहुत सारे फीमेल्स को भी इनके कार्य और इनकी उपयोगिता नहीं पता होती, इसलिए ये चीज जो है आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कार्य करता है, कौन कौन सा पार्ट का क्या काम है। क्लाइटोरिस सेंसिटिव है, टू ओपनिंग्स है, नीचे की तरफ में विजाइना और ऊपर की तरफ में जो है वो क्या रहेगा, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रल ओपनिंग जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो था फीमेल, उसे हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद है ये आपके दिमाग में बहुत आसानी से क्लियर होगा। अगले पार्ट में पहुंच रहे हैं हम। अगला एक और सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र जो नर के लिए एक विपरीत लिंग के लिए होता है, उसका नाम है मैमरी ग्लैंड। इसके भी दो कार्यक्रम हैं, दो हैं। एक बच्चे को मिल्क फीड कराने के लिए इसका मुख्य कार्य है, जो हर माता हर बहन दुनिया में जितने भी हैं सभी के पास उपस्थित है। दूसरी चीज ये है कि ये मतलब विपरीत लिंग के आकर्षण का भी केंद्र होता है, जिसे हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं। बट ये क्या है, क्या प्रेजेंट रहता है, ये कैसे मिल्क बनाता है, मिल्क कैसे रिलीज होता है, और एक्चुअली ये बनता कैसे है, ये सारे सवालों का जवाब आज इस डायग्राम से आपको मिलेगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का अगला पार्ट मेमोरी ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं स्तन ग्रंथि। ये स्तन ग्रंथि का कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करता है, उनके पास में क्या क्या होता है। अगर हम इस डायग्राम को सामान्य तौर पर देखें तो मैमरी ग्लैंड हमेशा ये जो रिब्स वाला भाग होता है इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है, चेस्ट का भाग है। चेस्ट में हमेशा आपको पता है कि ये वाला भाग जहां पर पसलियां होती हैं, क्या होती हैं, पसलियां। ये पसलियां बनी हुई हैं, इन पसलियों के ऊपर वाले भाग में यहां पर आपको पता होना चाहिए हल्का हल्का कि कुछ मसल होती है। मसल मतलब पेशियां। इन पेशियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल पेशी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, फीमेल के जो मैमरी ग्लैंड है उसमें जो स्तन ग्रंथि है उसके रिब्स के ऊपर में जो पेशी है उसका नाम क्या है, पेक्टोरल पेशी। ये पेक्टोरल पेशी ही आगे जाके स्तन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बाहर की स्किन है, ये स्किन है जो सबके पास में रहती है, हमारे पास में भी है, फीमेल में भी रहता है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। बट इस एपिडर्मिस नर में क्या होता है, ये ऊपर का भाग एपिडर्मिस है और ये वाला भाग ये पूरा चिपका हुआ रहता है, कोई स्पेशल चीज स्ट्रक्चर बीच में नहीं रहता। बट फीमेल का ये जो बीच की संरचना है ये फीमेल में अलग रहती है। ये जो बीच की संरचना अगर आप समझ गए तो पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला पार्ट, धीरे धीरे जब फीमेल 12-13 साल में पहुंचती हैं तो उस समय उनके शरीर में यौवनारंभ शुरू होता है। तो धीरे धीरे चेस्ट के, छाती के उस भाग में यहां पर वसा का जमाव होने लग जाता है। किसका जमाव होता है, वसा का। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक पिंक स्ट्रक्चर, ये वसा है। वसा के जमाव की वजह से, जैसे आपको पता है अब ये भाग है, मान ले वसा का जमाव हो रहा है यहां पे चौड़ा, मैं थोड़ा बहुत मोटा हूं, थोड़ा बहुत मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी होगा। जिस भाग में मोटापा आपको दिखाई देने लग जाए वहां वसा का जमाव होता है। बट फीमेल में ये जमाव दो जगह पर खासकर होता है, एक जांघों पर ये भाग होता है, पेल्विस वाला भाग, नीचे वाला भाग जो बहुत फैला हुआ होता है, और दूसरा चेस्ट पे वसा का जमाव होने लग जाता है, फैट स्टोरेज होने लग गया। फैट स्टोरेज होने के कारण यहां पर क्या होता है, यही फैट आगे चलकर इसे वृद्धि करने में सहायक होता है, मतलब इसकी वजह से इसका ग्रोथ होता है। और धीरे धीरे फीमेल जैसे 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 उनका उम्र बढ़ता जाता है, इसकी आकृति भी लगातार बढ़ती जाती है और इस आकृति में वृद्धि होती है।
इसकी परिपूर्ण वृद्धि जो है जब बच्चे मतलब जो फीमेल है वो गर्भाशय गर्भावस्था में होती हैं, जब वो बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं तब इनका आकार सबसे बड़ी आकृति में होता है। तो ये बात ध्यान पे रखना कि ये आकृति धीरे धीरे गर्भावस्था के सॉरी यौवनारंभ के बाद प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हुआ, बट जब जब वो प्रेगनेंसी में पहुंचेंगी तब इसकी आकृति सबसे बड़ी रहेगी। अब इसमें कौन कौन सी संरचनाएं मुख्य रूप से हैं? सबसे पहली बात है, अब इसको समझने से पहले एक डायग्राम समझ लो। इनके पास में कुछ ऐसी खोखली कुछ कोशिकाएं हैं जिसे ये लोग कहते हैं मेमरी कुपिका, कुपिका कहते हैं इसको। ये एक हो गया, एक का नाम है कुपिका, एक कोशिका का नाम कुपिका है। यही एक कोशिका जिसका नाम एल्वियोलाई है मिल्क बनाती है। अब कैसे बनाती है उसे समझो। इनके पास होता है फैट, और फैट जो है जब गर्भावस्था के बाद मिल्क बनाती है तो उसकी वजह से कुछ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, मैं आगे डिटेल करूंगा इसे कि कब, जब इसका मैं रिलीज की बात करूंगा ना, लैक्टेशन सबसे आखिरी पॉइंट होगा, मैं उसके बारे में समझाऊंगा कि यह कैसे बनाता है। अभी सिर्फ इतना याद रखना यह कोशिका है जिसका नाम है कुपिका, और कुपिका को इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई ही मिल्क बनाने के लिए जिम्मेदार है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्तन में कौन सी कोशिका मिल्क बनाती है, मतलब क्या मिल्क क्या कहते हैं, दूध बनाती है, उस कोशिका का नाम है कुपिका। ये कुपिकाओं का गुच्छा होता है और उस गुच्छे को हम कहते हैं पालिका, ठीक है, स्तन पालिका कहते हैं। तो ये पूरी एक साथ मिलकर स्तन पालिका बन जाती है। हर पालिका से इनके पास में यहां पर हल्का 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 ऐसी बहुत सारी, हर पालिका से एक एक डक्ट निकलती है, इससे भी इससे भी इससे इससे भी, हर किसी से ऐसी पाइप निकली हुई रहती है और पाइप एक जगह पर जाकर मिलती है। अब ये जो पाइप है आगे जाकर मिलती है, इसे हम कहते हैं स्तन की नलिका, जिसका नाम है एम्पुला। ये स्तन नलिका है, इसका नाम है एम्पुला। पहले डायग्राम समझ लो, फिर इस डायग्राम में भी समझ में आ जाएगा। एम्पुला आगे जाकर और पतली पाइप में खुलता है जिसे तुम्बिका कहते हैं, ठीक है, ये तुम्बिका वाला भाग है। ये और आगे जाके हल्की हल्की पाइप है जिसका नाम है दुग्धवाहिनी, जिसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट सबसे आखिरी पॉइंट पे खुलती है जिसे हम कहते हैं निप्पल्स, निप्पल्स इसका नाम है, इसे इंग्लिश में स्तनाग्र कहते हैं। स्तनाग्र के बारे में बातें ये होती हैं कि यह भी फीमेल का बहुत सेंसिटिव पार्ट है। स्तनाग्र जिसे निप्पल कहते हैं, फीमेल का बहुत सेंसिटिव पार्ट है, यह भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे बहुत कड़ा हो जाता है, इसका आकार भी बड़ा होता है। यह सामान्य आकार में नहीं रहता, अगर यह सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहेगा तो इसकी आकृति जो है बढ़ जाती है, स्तन के ऊपर वाला भाग जिसे अपन चुचुक या स्तनाग्र या निप्पल्स भी कहते हैं, इसकी आकृति भी बढ़ जाती है। ये इसी के आधार पर मिल्क भी बाहर निकलता है, इसी को जो बच्चा है सक करता है, खींचता है अपनी तरफ में, तो मिल्क भी बाहर निकलता है। एक निप्पल्स के आसपास का इलाका थोड़ा सा डार्क इलाका होता है, उस इलाके को एरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोला। तो ये भी याद रखिएगा, निप्पल्स बीच में है, उसके आसपास का इलाका थोड़ा सा डार्क पिगमेंटेड रहता है, उस पार्ट को कहते हैं एरोला। ये मुख्य संरचनाएं हैं, इसकी समझ में आपको आनी चाहिए। तो बस यही मेन मेन बातें हैं, इसके आधार पर आपको डायग्राम समझ में आएगा। उससे और क्लियर करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है कि ये सबसे बाहर पीछे वाली मसल का नाम है पेक्टोरल मसल, आप उसे समझना। पेक्टोरल मसल को बाह्य जगह से ऐसे जोड़ के रखने के लिए इनके बीच बीच में ये जो व्हाइट व्हाइट मटेरियल ये दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं लिगामेंट। जुड़ा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो ये कट के बाहर निकल जाएगा। तो ये लिगामेंट्स उसे जोड़ के रखते हैं, ये लिगामेंट्स ही उसे जोड़ के रखते हैं, तो उसे मतलब टाइट भाग हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रहे, ताकि अगर ये ऐसा नहीं रहेगा तो शरीर से बाहर भागने लग जाएगा, या ऐसा मतलब जो एक्चुअल शेप है वैसा नहीं रहेगा। तो एक्चुअल शेप में रहने के लिए लिगामेंट्स का होना बहुत जरूरी है। उम्र के साथ साथ इसकी आकृति में बदलाव होता है और ये टाइट से धीरे धीरे लूज होने लग जाता है, उसका कारण है ये लिगामेंट्स, ठीक है। ये लिगामेंट्स ही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं, इस वजह से स्तन का सही आकार जो शरीर से जुड़ा हुआ रहता है उसकी जगह इसकी आकृति थोड़ी सी झुर्रियों वाली और नीचे लटकी हुई जैसी आकृति यहां पर दिखाई देती है, ये लिगामेंट्स के कारण होता है। ये बात ध्यान पे रखना, लिगामेंट्स ही है जो उन्हें जोड़ के रखता है। अब क्या चीज है जहां पर मिल्का बनता है? ये हर एक गुब्बारा छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है इसे हम कुपिका कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कुपिका। यही है वो कोशिका जिसका नाम है एल्वियोलाई। हर एक एल्वियोलाई एक पतली पतली पाइप से जुड़ा हुआ रहता है और ये पतली पाइप आपस में मिलती है, ये आप देख रहे होंगे, हर पाइप जो है ऐसा आपस में मिल रही है। हर पाइप जो आपस में मिलती है तो उसे हम कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्तन नलिका।
इसका नाम क्या है? स्तन नलिका। इसका नाम है स्तन नलिका। ओके, ये स्तन नलिका आगे होते हुए यहां पर मेमरी डक्ट बनाती है। मेमरी डक्ट इसे हम कहेंगे, इसे वाहिका कहेंगे हम, इसे स्तन वाहिका। तो अगली जगह जो है स्तन वाहिका बनती है, मेमरी डक्ट। तो इसलिए हम इसे मेमरी डक्ट कहते हैं। ये आगे जाकर ये मेमरी डक्ट में पहुंचा। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ बाहर की तरफ में निकल जाता है, और जिससे निकलेगा उसका नाम है निप्पल्स। ठीक है, जिसका नाम है निप्पल्स। निप्पल्स के बीच में जो होल होते हैं वो समझ सकते हैं। तो दोनों डायग्राम को आप एकदम क्लियर समझिएगा। स्तन पाली, पालिके से कूपिका में गया, कूपिका से गया नलिका में, नलिका से गया दुग्धवाहिनी में और बाहर। ये लाइन है, ये एरो है। आप हिंदी में बनाएं तो ऐसा बना सकते हैं, सबसे पहले स्तन पाली, पाली के अंदर एक छोटी सी कोशिका जिसका नाम है कूपिका। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। पाली से गया स्तन कूपिका में, दिख रहा है डायग्राम। कूपिका से जो होता है ये स्तन नलिका, ये अगली भाग है स्तन नलिका, इसके बाद तुम्बिका, उसके बाद दुग्धवाहिनी, और पोषण जो है आगे की तरफ में ऐसा बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमें इस तरीके से यहां पर पहुंचाता है। ये मिल्क इस तरह से बाहर सिक्रेट हो जाएगा। और ये दोनों डायग्राम आप लोगों को समझ में आएंगे। ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा है। मेमरी एल्वेलाई, ट्यूब्यूल्स, फिर डक्ट, एम्पुला, और यहां पर लैक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद निप्पल से बाहर। इस तरह से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मेमरी पार्ट जो भी आपको यहां पर कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में होगी। अगर आज का पॉइंट आपको समझ में आया है तो आप, बोलता नहीं हूं मैं लेकिन आज पहली बार कह रहा हूं, करना पड़ता है क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे, आप मेरे दिल की बात समझ नहीं रहे कि हर एक टीचर जब एक पढ़ाता है तो एक कलाकार होता है। टीचर कलाकार को तारीफ की बहुत जरूरत होती है, तालियों की जरूरत होती है। तो आप तो ताली बजाएंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का कैसा लगा। बहुत अच्छा अगर लग रहा है, और अगर आप 11th 12th के बच्चे हैं तो आपको आपको हमें हमारे पेड कोर्स की तरफ भी आना चाहिए। वहां भी हम एक बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है नंबर, वहां पर ज्वाइन करिए और हमसे आकर पर्सनली पढ़िए, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, लाइक बटन जो है दबाता रहा करो यार, अच्छा लगता है। हर टीचर को लगता है, मैं डेली देख के जाता हूं कि क्या बच्चों ने कमेंट किया, क्या बच्चों ने लाइक किया, नहीं किया। हमेशा वही छोटे मोटे एक दो लाइक, तीन लाइक, चार लाइक ऐसे दिखते हैं। मैं जब पढ़ा के निकलता हूं मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, क्या बच्चों को समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया है तो हिट लाइक बटन प्लीज, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ये भी हमारे लिए जरूरी है भाई। जितनी तारीफें, मैंने कहा मैं कलाकार हूं और कलाकार को तारीफें पसंद है। उसके बाद और अच्छा लगे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और पहुंचाओ हर भारत के वो लड़के तरफ जिसे इस चीज की जरूरत है, जिसे इसे पढ़ना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये जानकारियां हर किसी को पता होनी चाहिए। ये बायोलॉजी है, ये दोस्त, ये दुनिया का सबसे जबरदस्त साइंस है, और इसका नॉलेज अगर लोगों तक नहीं पहुंचता है तो ये देख रहे हो ना, भारत की आबादी 130 करोड़ पहुंच जाती है। इसलिए इस ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ना सिर्फ ये डायग्राम, हर चैप्टर आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप इसे ध्यान देते रहें, ठीक है। ये टॉपिक जो है आज हमारा कंप्लीट हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम नेक्स्ट चैप्टर में गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे कि ये जो स्पर्म नामक संरचना है वो बनती कैसे है। ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ये एक बार स्पर्म जब आप रिलीज कर देते हैं कितना स्पर्म चला गया, एक बार में कितने स्पर्म बनते हैं। वैसे ही ओवा के बारे में बात करेंगे कि ओवा बनता कैसे है। इस संरचना को इग्नोर मत करना बच्चे, क्योंकि अगर ये दोनों भूल गए तो आप कभी ये समझ में नहीं आ पाएगा आपको कि एक बच्चे का निर्माण कैसे होता, एक मनुष्य ये छोटी छोटी कोशिकाओं से कैसे बनता है, आपको वो कभी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरे हिसाब से भारत के हर आदमी को ये बात पता होनी चाहिए। सो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। कोई सवाल यहां तक अगर ऐसा कुछ है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोरोना वायरस काम कैसे करता है, विक्रम हैप क्लासेस पे कोरोना की एक वीडियो है, आप उसे देखिए और उसको भी लाइक करिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए। उस पर भी मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया था, दोबारा वीडियो बनाने का मन नहीं किया, आप लोगों ने उसे देखा तक नहीं,
बताइए, उसमें 15,000 से ऊपर व्यू ही नहीं बढ़ रहा। आप लोग उसे शेयर करो, देखो, पढ़ो, समझो, उसे देखो। कोरोना के ऊपर वीडियो है, उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल 11th का टॉपिक है, परसों 12th का टॉपिक है, 11th वाले बच्चों को। और आप इतना तो कर सकते हो यार अपने गुरुजी के लिए, जिन्हें 11th की जरूरत है उन 11th तक पहुंचा दो, 12th की जरूरत है 12th तक पहुंचा दो। मतलब लगना चाहिए कि भीड़ बढ़ रही है बच्चों की, यहां पर मजा आ रहा है पढ़ाने में। मुझे तभी अच्छा लगेगा जब लगेगा कि रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों का। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैं कलाकार हूं, मतलब दुखी हो जाता हूं मैं यहां पर कि बच्चे मुझे देख तक नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट डेली 6 से 7 बजे आप पहुंच जाओ। 11th और 12th के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप पढ़ते रहें उसे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।